मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साई प्रेजेंट लाइफस्टाइल। और मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आप सब लोग को आज का एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए इवनिंग की टाइम है, जो सनसेट होता है ना, जो सूर्यास्त होता है, उसकी टाइम हो गई है। तो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना ये सन, ये सूर्य जो रेड रेड दिख रहे हैं। और ये देखिए आज ना फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग के साथ मेरी विलेज की वीडियो शेयर कर रही हूँ, मेरी गांव की वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी मायके की विलेज है, जहाँ मेरी बचपन बीता है, मेरी चाइल्डहुड की सारी यादें इधर ही है। और ये हमारी प्लेस थी जो हम खेलने आते थे इधर। देखिए कितना छोटा 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 होम होता है इधर। और जो भी आपको पक्के की घर देखेगा ना, सब गवर्नमेंट ने दिया है, किसी के हाथ से कोई बनाया नहीं है। क्योंकि ये ना बहुत छोटा विलेज है और बहुत ही पूर फैमिली रहते हैं इधर, कोई रिच फैमिली नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है और सिर्फ एक ही घर ही इनका होता है। और वार्क में जाते हैं, फिर आके ये लोग खाना बनाते हैं, ऐसे फैमिली है इधर। और ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी की विलेज है। और इसके अंदर हमारी एक ही घर है, दो तीन घर है ऐसे जो कि हम लोग रहते हैं, नहीं तो सारा जो होम है ना सब आदिवासी का है। ये रूट देख सकते हैं आप, रास्ता कोई गवर्नमेंट का सुविधा नहीं है इधर, ना लाइट की सुविधा है, ना ही रास्ता जो पक्के रास्ता है। और इधर का रास्ता आप देखेंगे ना अगर अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगी कैसे रास्ता है। अगर कोई खाली पैदल चलेगा ना, मतलब नॉर्मल चप्पल नहीं पहन के, तो उसका पैर में खून बहुत ज़्यादा निकलेगा। और मेरी बचपन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही मैं पैदल चलती थी ना खाली पैर, तो ऐसे बहुत बार होता है कि नाखून तोड़ जाता था, पैर में ब्लड आ जाता था। वो विंटर के सीजन में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। देखिए रोड, देखिए मतलब गवर्नमेंट की कुछ भी सुविधा इधर नहीं है। और रोड के साइड में देखिए जंगल कैसे है। और कोई बच्चा अगर जा रहा होगा, अगर स्नेक या कुछ जंगली जानवर निकलेगा, तो वो क्या करेगा, देख सकते हैं। फिर भी मेरी विलेज तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इधर मेरी बचपन बीता है। क्योंकि बाहर के जो आते हैं ना, जंगल ही बोलते हैं इसको। तो देख लीजिए मेरी रोड की, मेरी वीडियो, मेरी गाँव की वीडियो। छोटा सा घर दिख रहा है ना ऐसे, तो ये है गांव की शॉप। मतलब ऐसे एक दो शॉप होते हैं पूरा गांव में, एक दो दुकान होते हैं, तो उसमें से जो राशन के सामान होते हैं ना, हम लोग लेते हैं। और इधर जो दुकान है ना, कोई बिल्डिंग नहीं है या कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, ये छोटा छोटा दुकान है। और इसके अंदर राशन का चीज़ मिलता है, जो कि सब लेते हैं। देखिए इतना, मतलब इतना अच्छे से ये लोग डेकोरेट करते हैं ना, देखिए कितना अच्छे मिट्टी से ये लोग लिपाई करते हैं ना, मुझे लगता है कि ये मिट्टी घर है ही नहीं। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। और गांव के जो परिवेश होती है ना, जो कि गांव की नेचर होती है ना, इतना ब्यूटीफुल होती है ना, आप लोग एक बार आएंगे ना तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी गाँव के नहीं है, जो गाँव के है तो उनको पता ही होगा ना। अगर हमको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि राशन की दुकान में नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लेंगे? तो इसलिए वीक में एक बार ना मार्केट बैठता है, छोटा सा एक मार्केट बढ़ता है, जो कि उधर सब सारा चीज़ का जो चाहिए मिल जाता है। थोड़ी सी प्राइस एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जैसे गांव में होता है ना, ज़्यादा चीज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मिल जाती है इधर। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरी गांव की जो छोटा सा मार्केट है, वो शेयर कर रही हूँ, जो कि हफ्ते में एक बार ही बढ़ती है। ये देखिए, ये छोटा सा मार्केट मेरी गाँव की। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो बने रहिए और वीडियो वॉच कीजिए। बस
खबर सब दादा पॉपकॉर्न नब घर को बाबा तो कुछ नहीं बाबा हो रही है इवनिंग के टाइम हो गई है मतलब मैं 4 बजे आई थी 5 बज गए 1 आवर ही हो गया है इवनिंग भी होने के लिए तो मैं घर चलती हूँ। तो आज के वीडियो अभी स्टॉप करते इतने में ही फिर मिलेंगे और एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय ऑल, टेक केयर।